अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने एग्जांपल्स देखनी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, आइए देखते हैं। जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की एग्जांपल्स समझने से पहले हम हमारा जो एक्टिविटी गई थी केमिकल रिएक्शंस की, हम उस जो है एप्लीकेशन इस्तेमाल जो है केमिकल रिएक्शंस का किया जाता है उससे रिलेटेड एक्टिविटी हमने की थी। सल्फर और उसके साथ आपने लिया था आयरन टर्निंग्स को, इन दोनों को करने से ब्लैक पाउडर बनना था आयरन सल्फाइड का। यहाँ पर अब प्रैक्टिकल मैंने किया था और आप ये देखो इसमें सल्फर डाली थी जो कल आपको मटेरियल दिखाया था, आयरन फिलिंग्स डाली थी, इन दोनों को जलाया। इनके जलने से जो है ये ब्लैक स्टफ आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लैक मटेरियल बेसिकली जो है आयरन सल्फाइड का है। हमारी एक्टिविटी जो है परफॉर्म हो चुकी है। नेल्स वाली एक्टिविटी उन्होंने 2 दिन के लिए कहा था, तो 2 दिन के बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। यूँ आपका ये जो है कम्प्लीट हो गया, बर्नर के जरिए से इसको जलाया था, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग था इसलिए मैंने आपको फुल व्यू जो है वो इसका नहीं दिया आपके सामने, मुकम्मल मैंने इसको जो है परफॉर्म नहीं किया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे आते हैं। जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी एक्टिविटी उन्होंने दी हुई है। एक कोनिकल फ्लास्क लेनी है आपने, वेट बैलेंस, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। करना क्या आपने, कोनिकल फ्लास्क में आपने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालना है और एक टेस्ट ट्यूब अलग से ले लेनी है जिसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल देना है। आप इन दोनों चीज़ों को आपने एक फोर्क लेना है और उसके ज़रिए से सील कर देना है इसका अपर हेड, जो चेहरा है कोनिकल फ्लास्क का, इसको आपने सील कर दिया और वेट कर लेना है आपने इन दोनों चीज़ों का और उसको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आपने शेक करना है और शेक करके टेस्ट ट्यूब में मौजूद सिल्वर नाइट्रेट को आपने ड्रॉप कर देना है सोडियम क्लोराइड में और उनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोबारा से आपने वेट जो है वो करना है और आप देखोगे इसका रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिल्वर क्लोराइड और उसके साथ सोडियम नाइट्रेट जो है वो बन रहे हैं और ये दोनों चीज़ें जो बन रही हैं इनका मास, प्रोडक्ट का जो मास है वो भी बिल्कुल सेम है एज़ द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट का मास था वही प्रोडक्ट का मास है। नीचे इक्वेशन दी हुई है, इसको देखो, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड ये दोनों रिएक्टेंट हैं और इनके मिलने से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है जो कि प्रोडक्ट हैं और दोनों का जो मास है वो ओरिजिनल टोटल जो है मास वो बिल्कुल कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। सेकेंड एक्टिविटी भी उन्होंने दी हुई है, चाइना डिश लेनी है और उसमें आपने आयरन पीसेस डालने हैं, डालकर आपने उनका वजन कर लेना है। जब आप मास कर लोगे उसका तो उसके बाद आपने इनको जो है 5 दिनों के लिए रख देना है इसी तरह से ताकि रस्टिंग हो जाए, आयरन को जंग लग जाए। जब जंग लग जाएगा तो आपने दोबारा से इसका जो है मास चेक करना है। अब जो आप मास चेक करेंगे उसका मास जो है रिएक्टेंट के वक्त जो आपने चेक किया था उसके अकॉर्डिंग होगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी और यही फिनोमेना जो है हमें बता रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो प्रूव्ड हो रहा है, जिसमें ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। कल अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।